वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। आज हम बात करने वाले हैं अपने देश की एक इलीट कमांडो फोर्स के बारे में, जिसका नाम है NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। आज हम जानेंगे कि इसकी स्थापना क्यों की गई और इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है और इसको कैसे ज्वाइन किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि NSG क्या है। NSG मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये भारत के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। NSG कमांडोज को एंटी टेररिज्म ऑपरेशन और VIP प्रोटेक्शन तथा बम निरोधक और एंटी हाईजैकिंग के लिए खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। NSG कमांडोज का गठन ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद करने का निश्चय किया गया था। इसका गठन 1986 में किया गया था। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड दो ग्रुप में डिवाइड होते हैं। पहला होता है SAG और दूसरा होता है SRG। SAG का मतलब होता है स्पेशल एक्शन ग्रुप। ये एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस और बम डिस्पोजल जैसे काम करते हैं। और दूसरा SRG यानी स्पेशल रेंजर ग्रुप VIP प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। VIP प्रोटेक्शन का मतलब होता है हमारे देश के मिनिस्टर्स और बड़े बड़े सेलिब्रिटी और उद्योगपति लोगों को प्रोटेक्शन देना। आइए जानते हैं NSG कमांडोज को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो NSG कमांडोज को ज्वाइन करने के लिए कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है। इन्हें मिलिट्री फोर्सेस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस से ही लिया जाता है, जिसमें SAG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में मिलिट्री के लोग होते हैं तथा SRG यानी स्पेशल रेंजर ग्रुप में पैरा मिलिट्री के पर्सनल शामिल होते हैं, जिसमें BSF, ITBP, CRPF और CISF होता है के पर्सनल शामिल होते हैं। NSG में मिलिट्री के 53% लोगों को तथा पैरा मिलिट्री के 47% लोगों को रिक्रूट किया जाता है। आइए जानते हैं कि NSG को किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है। तो इनका ट्रेनिंग सेंटर मानेसर में है, जो कि दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे है। NSG कमांडोज को पहले 90 दिन की एक बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें इन्हें 26 टेस्ट को पास करना पड़ता है, जिसमें फिजिकल और मेंटल दोनों प्रकार के टेस्ट होते हैं। 90 दिन की बेसिक ट्रेनिंग के बाद इन्हें 9 महीने की एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है, जिनमें इन्हें फिजिकल, मेंटल और गन शूटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। इनकी गन ट्रेनिंग की शूटिंग बहुत ही टफ होती है, जिसमें इन्हें 25 सेकंड में 14 टारगेट को हिट करना पड़ता है। और ये ट्रेनिंग NSG कमांडोज के अलावा और किसी को नहीं दी जाती है। NSG कमांडोज को इसराइल में भी भेजा जाता है तथा जर्मनी की कमांडोज यूनिट में भी जाके इनको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। बात करें इनको कितने सालों तक सर्विस में रखा जाता है, तो इनको मैक्सिमम 5 साल तक NSG की सर्विस में रखा जाता है, पर ज़्यादातर कमांडोज को 3 साल में ही उनकी यूनिट में वापस भेज दिया जाता है। अब जान लेते हैं ये कौन से हथियार को इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्नाइपर राइफल्स, कई प्रकार के पिस्टल्स, सब मशीन गन और मीडियम मशीन गन को इस्तेमाल करते हैं। NSG में टोटल 14,000 पर्सनल शामिल हैं। NSG कमांडोज को ब्लैक कैट कमांडोज भी कहा जाता है। वो इनकी यूनिफॉर्म के ब्लैक होने के कारण कहा जाता है। और इनका मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। NSG कमांडोज 1986 से हमारे देश के सेवा में लगे हुए हैं और ये एक इलीट कमांडो फोर्स की श्रेणी में आते हैं। जय हिंद।